माही बेटा इतनी जल्दी आ गई आज? डीजे अंकल, आपके ऑफिस में कोई माही नाम की लड़की काम करती है? नहीं करती है, नहीं करती थी, मैंने निकाल दिया उसे नौकरी से। बहुत रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट लड़की है, अक्सर आते जाते दिखती थी मुझे। उसका कॉन्फिडेंस ही भारी पड़ गया मुझे। पता क्या किया उसने, बाहर तीन लड़कों के साथ बदतमीजी की, उनकी इंसल्ट की, वो तो पहुंच गए शिकायत लेके मेरे पास, मैंने भी खड़े खड़े निकाल दिया उसको। गलत किया। आप अपने वालिद के दोस्त को कह रहे हैं कि उसने गलत किया? हाँ नो नॉट एट ऑल अंकल, ना मैं आपको गलत कह रहा हूँ ना उस लड़की को सही कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि वो बेचारी गरीब है, ना जाने किस मजबूरी के तहत वो एक राइडर की जॉब कर रही है। अंकल आप खुद ही सोचें, हमारे इस माशरे में कितनी लड़कियां जो ये काम कर रही हैं। अंकल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उसे वापस बुला लें। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप जो उस लड़की की इस कदर वकालत कर रहे हैं, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। जी पाजी, यूं आंसू साफ करने से आप मतलब तो दर्द नहीं छुपा सकती। अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया, आपको नौकरी से निकाल दिया है ना पाजी। अब रोए मत, आपको है ना इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी। आफ्टर ऑल You're the best. कहाँ बेस्ट हूँ, बिल्कुल भी बेस्ट नहीं। तभी तो कोई जॉब नहीं मिलती मुझे, सिर्फ इस मोटापे की वजह से मुझे कोई भी जॉब नहीं मिलती। ऐसा नहीं है बाजी, आप देखना आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। आपको तो पता है ना, आप मेरी इंस्पिरेशन है। आप हिम्मत नहीं हार सकती बाजी। वाह भाई, मेरा छोटा सा भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ। चाहती हूँ तैमूर मैं बहुत सारे पैसे जमा करूँ और बहुत जल्द अपने भाई का एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवा सकूं। जी जी बिल्कुल कराइएगा, लेकिन अभी आप आंसू साफ करें। आप इस तरह हार नहीं मान सकती बाजी। अब ठीक है, यू आर द बेस्ट।